हेलो दोस्तों, इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको जो भारत के राज्य हैं उसकी राजधानियों के बारे में बताऊंगा। तो एक कॉपी कलम ले लें तो आपको ये आसान रहेगा, या आप इसे ध्यान सुने, ठीक है? दोनों बात है। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको कहता हूँ, हर बार की तरह इस बार भी कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के बीच इसे शेयर करें, जिससे मेरा उत्साह और भी बढ़े दोस्तों, ठीक है? तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर की राजधानी, जम्मू और कश्मीर की राजधानी जो है श्रीनगर है, ठीक है? श्रीनगर है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। उसके बाद दोस्तों हिमाचल, हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है शिमला, शिमला है। उत्तराखंड की राजधानी दोस्तों देहरादून है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। और यूपी की उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बिहार की राजधानी जो है पटना है, पटना है बिहार की राजधानी। झारखंड की राजधानी जो है रांची। पश्चिम बंगाल की राजधानी दोस्तों कोलकाता है, कोलकाता। उड़ीसा की राजधानी दोस्तों, यानी उसको जिस उड़ीसा उड़ीसा है तो उड़ीसा उड़ीसा की राजधानी जो है दोस्तों भुवनेश्वर है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों तेलंगाना है, अभी नव निर्मित राज्य है, तो यहाँ पर इसका मानचित्र नहीं है। लेकिन तेलंगाना जो है कि तेलंगाना की राजधानी जो है हैदराबाद है, ठीक है? और शायद प्रस्तावित अमरावती था, उसे भी चेंज कर दिया गया है। तो उसके बाद है दोस्तों कि आंध्र प्रदेश है, तो हैदराबाद इसकी राजधानी हैदराबाद ही है, ठीक है? अब है दोस्तों कि तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी जो है चेन्नई है, ठीक है? और चेन्नई है। और केरल की राजधानी दोस्तों तिरुवनंतपुरम है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। पुडुचेरी दोस्तों एक खुद केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी, ठीक है? उसके बाद है कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी जो है दोस्तों बंगलुरु है, इसे बंगलुरु भी बोलते हैं, तो ये कर्नाटक की राजधानी है। गोवा की राजधानी जो है दोस्तों पणजी है, गोवा की राजधानी पणजी है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। दादर नगर हवेली जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है। दमन द्वीप भी है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो दमन जो है दोस्तों ये गुजरात के सूरत से के नज़दीक है, और ये जो दीव है ये समुद्र पार करके जाना पड़ता है द्वीप पे। तो दमन द्वीप, दमन पूरब में है, द्वीप जो है पश्चिम में है। इसे पार करके जाना पड़ता है, खंबात की खाड़ी को पार करके जाना पड़ता है, या घूम कर भी हम लोग जा सकते हैं, गुजरात के दूसरे छोर से जा सकते हैं। पोरबंदर से नज़दीक पड़ेगा, यानी सोमनाथ के बगल में द्वीप है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों गुजरात की जो राजधानी है गांधीनगर है, ठीक है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर है दोस्तों। उसके बाद है राजस्थान की राजधानी जो है, ठीक है दोस्तों, राजस्थान की राजधानी है जयपुर है। और हरियाणा और पंजाब की राजधानी जो है चंडीगढ़ है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, और नई दिल्ली इसकी राजधानी है, दिल्ली की राजधानी, ठीक है? तो उसके बाद है दोस्तों हिमाचल प्रदेश, ये तो मैं बता दिया था दोस्तों। अब दिल के जो भारत के दिल है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, ठीक है? और छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है रायपुर है दोस्तों। तो ये था दोस्तों मेन जो राज्य है केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद दोस्तों ये अरब सागर में दोस्तों लक्षद्वीप है, जिसकी राजधानी है कवरत्ती। और बंगाली खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है? अब दोस्तों सात बहन के लेते हैं। तो सिक्किम की राजधानी जो है सिक्किम की राजधानी जो गैंगटोक है। असम की राजधानी जो है दिसपुर है। अरुणाचल की जो राजधानी है दोस्तों ईटानगर है। और नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। इम्फाल की राजधानी दोस्तों मणिपुर, इम्फाल की राजधानी मणिपुर है। और मिजोरम की राजधानी आइजोल है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। और मेघालय की राजधानी जो है शिलोंग है। तो ये सर, ये दोस्तों ये था दोस्तों भारत के 29 राज्य और शासित प्रदेश के राज्यों और के राजधानी, ठीक है? अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाएं। धन्यवाद दोस्तों।